सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिल्ली एनसीआर में नरेला अपराधियों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। अपराधी नरेला में किराए पर फ्लैट लेने और लूट की वारदातों को अंजाम देकर वहां पर छुप जाते हैं, जो पुलिस के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव पीपली के रहने वाले किसान के साथ नवंबर 2020 में गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने पहले जानलेवा हमला कर घायल कर दिया और उसके बाद किसान के घर से भारी संख्या में पशुओं को लूट कर फरार हो गए। इसके बाद सोनीपत पुलिस द्वारा पशु लूट गिरोह के मुख्य सरगना पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। सोनीपत की एंटी गैंगस्टर यूनिट ने पशु लूट गिरोह के मुख्य सरगना सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अजीत, अमित, आकाश दिल्ली के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों पर पुलिस ने इनाम रखा था। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य वारदातों का खुलासा हो सके। ये अपना खरखोदा एरिया का पीपड़ी गांव का एक मुकदमा था जो 2020 में अपना मुकदमा दर्ज हुआ था लूट का। इसमें घर के अंदर घुसकर काफी पशु वो चोट मारकर घर से लूट के ले गए थे। इसमें एक आरोपी पहले गिरफ्तार था, तीन आरोपियों की गिरफ्तारी 2020 से ही बकाया थी और जो कोर्ट से पुलिस पीओ घोषित हो चुके थे और सीपी साहब के द्वारा इन पे 5,000 रुपए पकड़ने पर इनाम भी किया गया था तीनों पे अलग अलग। इसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। सर क्या नाम है इनका? एक अमित है, अजीत है और आकाश। सर इसके अलावा भी कोई और खुलासा हुआ था? अभी इन पे पुलिस रिमांड पे लिया गया है जिसमें पूछताछ करके अगर और कोई वारदात होगी तो उसका भी खुलासा करेंगे। ये हो सकता है सर कोई अन्य वारदात का खुलासा हो सकता है? हो सकता है, अभी देखते हैं। कहाँ रहे सर, कुछ बताया अपराध पूछताछ बनाने के लिए? ये पहले वैसे दिल्ली में किराए पे रहते थे, वहां घर छोड़ के इधर उधर ऐसे ही घूमते फिरते रहे। क्या लूट गिरोह था सर इनका पूरा? हाँ ये गिरोह है जो पशु वगैरह घर से चोरी करते हैं।